बरमकेला ब्लॉक के ग्राम पंचायत दुमा भाटा माध्यमिक शाला जाने का मार्ग काफी जर्जर हो गया है। वहीं कीचड़ में विद्यार्थी विद्यालय जाने में मजबूर है। स्कूल जाने के लिए शिक्षक एवं बच्चे कीचड़ के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मगर जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान नहीं है। बरमकेला ब्लॉक से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत धुमा भाटा स्थित है, जो कि धुमा भाटा के माध्यमिक शाला जाने का एकमात्र मार्ग है, जो काफी जर्जर हो गया है। इसी कीचड़ में विद्यार्थी विद्यालय जाने को भी मजबूर है। स्कूल जाने के लिए शिक्षक एवं बच्चे कीचड़ के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ जन प्रतिनिधि का भी ध्यान नहीं है, जो कि एक सवाल को पैदा करता है। सच तो यह है कि सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब बच्चे ही अध्ययन करते हैं, बड़े दंपत्ति के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। शायद यही वजह है कि इतनी परेशानी होने के बाद में भी अनदेखी किया जा रहा है। इस विषय पर न तो शिक्षा विभाग ध्यान दे रहा है और न ही जन प्रतिनिधि। ऐसे में बच्चों के भविष्य बिगड़ सकते हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है। हम पढ़ने जाते हैं तो कीचड़ में फिसल जाते हैं। और ये जो कीचड़ रास्ता है, इस संबंध में गुरुजी या किसी सरपंच से बताए हैं आपको? बताए हैं। किसको बताए हैं? सरपंच और सर जी। क्या बोले हैं? बनवाएंगे कल। उसी बोले हैं लोग लड़का मतलब जाए में परेशानी होते, यहाँ गिर जाते हैं, बस्ता स्लेट बिक जाते। स्कूल के अध्यक्ष मैचा मिडिल स्कूल के, मिडिल स्कूल जाए में परेशानी जाते। सरपंच जब बोले रहे हैं तो सरपंच मने होगी से कीचड़ है, वो होगी थोड़े से केजबल एजबल बंद होगी तो नापो करके कहीं। बरमकेला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।